अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक फिर नई रेसिपी के साथ रिफत परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है, रिफत किचन विद गार्डन से। तो ये रेसिपी है जी पाइन एप्पल केक और उसके साथ चॉकलेट केक। पाइन एप्पल केक मैंने राउंड साइज में बनाया और चॉकलेट केक मैंने लॉन्ग साइज में बनाया। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसमें 125 ग्राम बटर ऐड किया है, उसको मैंने 30 मिनट तक बीट कर लेना है ताकि थोड़ा बारीक हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड करनी है, 1 कप भरा हुआ। ये भरा हुआ नहीं था तो ये बाकी की भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये 1 कप शुगर हो गई है, इसको भी हमने 30 मिनट इस तरह बीट करना है। और उसके बाद 5 अंडे मैंने इसमें ऐड किए हैं, अंडे दो दो या एक एक करके डालें और हर 30 सेकंड इसको 30 सेकंड बीट करें। हर 30 सेकंड के बाद दूसरा अंडा डालें, इसी तरह 5 अंडे आपने इसको इसमें बीट करने हैं। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करने हैं, बस मिक्स करने हैं। ये देखें, ये सारे अंडे मैंने बीट कर लिए हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध मैंने इसमें डाला है 1/4 कप। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप, क्योंकि मैंने 2 केक बनाने हैं। और मैदे में मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, और वनीला शुगर भी इसमें मैंने डाली है। अब मैं मज़ीद जो 1/2 कप है उसको भी छान रही हूँ। मैदे को हमेशा छान लेना चाहिए, एक तो इसमें जो असर अगर कुछ कोई भी चीज़ इसमें हुई वो निकल जाएगी। दफ़ा इसमें कोई कंकर वगैरह हो या कुछ भी, तो उसके बाद दूसरा ये है कि इसमें थोड़ी सी जो हवा होती है ना वो भी इसमें आ जाती है। ये देखें, मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून वनीला शुगर। इससे टेस्ट अच्छा बनता है। आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने शुगर थोड़ी कम ही रखी है क्योंकि हम कम शुगर यूज़ करते हैं। इसके साथ 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है वनीला एसेंस, इससे केक का जायका बहुत मज़े का बनता है। तो इन सब चीज़ों को मैं हल्के हाथ से मिक्स कर लेती हूँ और लम्स वगैरह तोड़ लेते हैं इसमें से कि कोई लम्स बाकी ना रहे। ये देखें, ये तकरीबन सारा मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर है वो ऐड कर रही हूँ ताकि केक का कलर मज़ीद अच्छा बने। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है सारे को, तो अब मैं इसमें इसको अलग कर लेती हूँ, आधा कर लेती हूँ इस बैटर को। बैटर बना हुआ है, बस इसको हमने हाफ मैंने अलग कर लिया है, और जो हाफ बचा है इसमें मैं चॉकलेट पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर जिसको आप कहते हो, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि इसको मार्बल केक बना लूँ, लेकिन मेरे बेटे की फरमाइश है कि मैंने चॉकलेट केक खाना है, तो फिर मैंने सोचा कि अलग बना लूँ, ये ना हो कि उसको अच्छा ना लगे फिर शोर करे वो। तो ये देखिए, मैंने सारा बैटर इसमें डाला है, आधा बैटर मैंने डाला है। मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने इसमें जो एंड पे आप देख रहे थे कि मैंने ऐड किया है, इसमें मैंने ऐड किए थे बारीक कटे हुए पाइन एप्पल,
और ऊपर से भी मैंने आटा बैटर डाल के दरमियान में पाइन एप्पल रखा, और आप ऊपर से भी पाइन एप्पल से इसको गार्निश कर देती हूँ। ऊपर से भी मैंने पाइन एप्पल रखा, मुझे पाइन एप्पल केक बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लाइक करती हूँ। ये हमने एक तैयार कर लिया, अब दूसरे को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसको पाएंगे ताकि इसमें हवा ना रहे। तो इसको मैंने 30 मिनट गैस वाले ओवन में 30 मिनट मैंने इसको कुक किया है। तो ये देखे फाइनली ये बन के तैयार हो गया है। तो मैंने हल्का ठंडा किया है, फिर मैंने निकाला, ये देखें जला हुआ भी नहीं है और अच्छी तरह कुक है। तो इसको जब आप ओवन से निकालें तो पहले ठंडा कर लें फिर इसको निकालें, वरना ये टूट जाएगा। ये देखें दूसरा केक भी, पाइन एप्पल केक भी माशाल्लाह कितने मज़े का बन के तैयार हुआ है। देखें बीच में आपको पाइन एप्पल नज़र आ रहा है, अब भी ये थोड़ा गर्म है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। ये देखें ये टेस्टी भी है, स्पंची भी है, और दरमियान में इसके पाइन एप्पल भी है, और दूसरा केक भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है चॉकलेट का। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर मेरी दोस्तों का जो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स इस तरह केक बनाए और मुझे बताएं किस किस ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है। और केक कैसा बनाया इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।